नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपकी पॉपुलर डिमांड के ऊपर जो मेरे बाकी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर HFCL के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो गाइस HFCL के ऊपर। HFCL जो लोग नहीं जानते, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिमिटेड है। ये कंपनी क्या करती है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। फिर इसको हम देखेंगे मंथली, वीकली और डेली चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई दे रहा है, कहाँ पर इसका सपोर्ट बनता है, किस स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं और खटाखट को कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंटेशन बना लिए। मैंने नए साल से एक प्रॉमिस किया गाइस कि जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको बिल्कुल सिखाने वाला हूँ, चाहे वो मेरे फ्री के यूट्यूब सेशंस हो, चाहे मेरी पेड क्लासेस हो जो आने वाले टाइम में स्टार्ट होंगी, ठीक है। बट जब तक वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कोई भी उसमें हैंकी मैंकी नहीं, कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होंगी, जैसा मैं काम करता हूँ वैसा आपको करना सिखा रहा हूँ। जहाँ से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से जिस चीज़ को आप फ्री में सीख सकते हैं उसके लिए आप किसी को पैसे ना दें। गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया अंत में तो जाके लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा, बट कम से कम जाके एक एक्टिविटी, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। गाइस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने घर में अगर खाना बनता है, खाना बनाने वाले की अगर आप खाना बनाने वाले को अगर आप फीडबैक नहीं देते तो उनको अच्छा नहीं लगता। अगर खाना अच्छा बना होता है आप कहिए खाना बड़ा अच्छा बना है, खराब बना है तो आप कहिए थोड़ा सा नमक की कमी थी, तो शायद नेक्स्ट टाइम खाना इंप्रूव होगा। तो आपका फीडबैक, लाइक और डिसलाइक और आपके कमेंट्स, ये मेरा फीडबैक है। मेरी मेरा खाना है तो मुझे पता लगना चाहिए मेरे व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरी फैमिली से जुड़ रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपका फीडबैक मुझे हर वीडियो में, हर कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स में है क्या। गाइस एक टाइम पे देखें तो एक टाइम पे इस भाव बहुत ऊंचे भाव हुआ करते, इसके 2,500 का शेयर किसी टाइम पे हुआ करता था और सालों साल ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा शेयर। ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हम अपने एक फेवरेट screen.in के ऊपर चलते हैं, वहां जाके देखते हैं कि क्या क्या चीजें, पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे। कोई नोट्स नहीं, सब आपके सामने बिल्कुल रॉ, एकदम रॉ। यहां पे अगर देखने की कोशिश करें कंपनी है क्या, क्या नहीं करती कंपनी, वो देखने की कोशिश करिए। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स इज अ डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रा, आई मीन डाइवर्स मीन्स का बहुत सारी चीज़ों में काम है, किसी में डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रा एनेबलर, मतलब अगर टेलीकॉम सेक्टर को अगर कुछ चाहिए, इंफ्रा चाहिए, जहाँ से वो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जाएंगे, जो नेटवर्क रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, सब चीज़ें हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी करती है। और ये कंपनी बेसिकली सिस्टम इंटीग्रेशन भी कर रही है, मैन्युफैक्चर भी करती है, एंड इट इज़ सप्लाइंग हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी। ऑप्टिकल फाइबर करती है, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी। आपको मालूम है कि सरकार ने इस साल इस बजट में टेलीकॉम के ऊपर जोर दिया है, टेलीकॉम के ऊपर जोर दिया है, उन्होंने टेलीकॉम की बात की है और 5G का ऑक्शन 2022 में होना है, तो सोचिए ये कंपनी कहां रोल प्ले करने वाली है। सबसे बड़ी बात है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक के अंदर में रिलायंस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह काम कर रहा है, मतलब बेसिकली वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें धीरे 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 बढ़ा रहा है। उसको देखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलिए अपने सिंपल से दोस्त के पास चलते हैं, गूगल के पास में, और गूगल से पूछने की कोशिश करते हैं भाई ऐसी कोई न्यूज है क्या। देखिए सिंपल क्या कीजिए, मैं आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग कर रहा हूं इसमें, ठीक है। गूगल में जाइए, गूगल में लिखिए रिलायंस HFCL स्टेक। देखिए बहुत सारी चीज सामने खुद निकल के आ जाएंगी जैसे आप क्लिक करते हैं। देखिए रिलायंस रेजेस स्टेक इन HFCL कब की, 10 दिसंबर 2021 की, मतलब 5% उन्होंने अपना स्टेक कर लिया है, 5% कर लिया, पहले 3.5% के आसपास हो गया था, उसको बढ़ा के 5% कर लिया। तो रिलायंस की आदत है किसी भी कंपनी को, जब वो धीरे धीरे एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसमें अपनी हिस्सेदारी डालते हैं, तो उनका मोटिव होता है। और कभी भी मुकेश अंबानी किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे जो उनके फ्यूचर से जुड़ी हुई ना हो, ध्यान रखिएगा। और जब से रिलायंस जियो दुनिया में आया है, हमारी कंट्री में आया है, तब से रिलायंस जियो ने धूम मचा रखी है, बाकी सभी टेलीकॉम ऑपरेटर की बिल्कुल वाट लगा के रखी हुई है, स्पेशली वोडाफोन आइडिया तो गायब ही हो गया है। भारतीय एयरटेल दिग्गज कंपनी है जो जुड़ी हुई है, टिकी हुई है, दो ही नेटवर्क मीडिया प्रोवाइडर्स हमारे सामने हैं आज की डेट में, विच इज भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो के साथ काम करती है कंपनी और उसका ऑप्टिकल फाइबर का सारा काम ये कवर करती है। हाल फिलहाल ये 81 रुपीज के आसपास ये कंपनी कर रही है। पहले को डिटेल्स देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की पॉइंट्स की बात की जाए, कंपनी के एक और की पॉइंट्स के देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी का अगर पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर तो बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती है, वाईफाई सिस्टम्स बनाती है, माइक्रोवेव रेडियोज बनाती है, राउटर्स बनाती है, ईथरनेट स्विचेस बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस बनाती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस बनाती है और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। और एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करती है वो देखने की कोशिश करते हैं। सर्विस देखिए टेलीकॉम में है, डिफेंस में, रेलवेज को,
यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस नेटवर्क्स को बहुत कहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर सभी को, मतलब ये कंपनी खाली प्राइवेट लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, सरकारी लोगों के लिए भी काम करती है। रिवेन्यू ब्रेकअप की अगर देखने की कोशिश की जाए तो रिवेन्यू ब्रेकअप देखिए, अभी जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट टर्न की क्या होते हैं, जो शुरू से ये करते हैं और आखिर तक ये लोग लेके जाते हैं, मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 78% रिवेन्यू काउंट होता है, मतलब वहाँ से 78% रिवेन्यू इनको आ रहा है, बाकी और एक्टिविटीज इनको 22% के आसपास का रिवेन्यू आता है। ऑर्डर बुक पर नजर डालने की कोशिश कीजिए, ऑर्डर बुक देखिए एज ऑन दिसंबर 2020 का ऑर्डर बुक है, ये थोड़ा सा पुराना है बट उसके बाद बढ़े ही हैं, 6,400 करोड़ के ऑर्डर बुक इनके पास ऑलरेडी है जो BSNL से थे। और अभी जो ऑर्डर बुक में है बेसिकली डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं, डिफेंस प्रोजेक्ट से 57%, मतलब डिफेंस से 57% की ऑर्डर बुक है, फाइबर केबल से 14% की ऑर्डर बुक है, रिलायंस जियो से 14% की, भारत नेट से 7% की, बाकी जगहों से 8% के आसपास की, मतलब ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया, क्लाइंटल बहुत शानदार है। क्लाइंटल में कौन कौन, देखिए कमाल की चीज़ है ये, शायद किसी को पता होगा हम HFCL में क्यों निवेश कर रहे हैं और क्यों हमें ऐसी कंपनीज को ढूंढना चाहिए जो मल्टीबैगर बन सकती है, जिसके पास क्लाइंट अच्छा होगा, जिसके पास धंधा अच्छा होगा, सेल्स अच्छी होगी, वो कंपनी कुछ भी कर सकती है। जियो इनका क्लाइंट है, टाटा इसका क्लाइंट है, एयरटेल इसका क्लाइंट है, वोडाफोन इसका क्लाइंट है, नोकिया, L&T, ऑरेंज, BSNL, BBNL, TCIL, BPCL, IOL, रेलटेल, HPCL, PGC, गेल, सऊदी रेलवेज, क्या चाहिए आपको? जिसके पास इतने बड़े क्लाइंट हों, अगर एक क्लाइंट इधर से उधर चला भी जाए क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे दिग्गज क्लाइंट एक कंपनी लेके बैठी है, हम उस कंपनी के ऊपर शक कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमको उसको शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर और नज़र डालने की कोशिश कीजिए, ये आप बाद में स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर में, पूरा फोकस R&D के ऊपर रहता है, इनके बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है और रिलायंस का रिलेशनशिप जियो के साथ तो है ही है। अब यहाँ समझने वाली बात है, चलिए चार्ट को देख लेते हैं, क्या समझते हैं कि बाजार कैसा दिखाई देता है। अगर हम इस चार्ट को हिमाचल फ्यूचर्स का अभी भाव चल रहा है 81 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास, पहले मंथली चार्ट पे देख लेते हैं, मंथली चार्ट पे ये स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, यहां से इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल से, ये लेवल था इसका 30 रुपीज के आसपास का लेवल, जहां से इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था, ठीक है। इस ब्रेकआउट के बाद में जो लेवल बना है, जो कंसोलिडेशन बनी, वो बनी है 70 रुपीज के लेवल के आसपास से। तो यहाँ पे जो मंथली सपोर्ट है वो 70 रुपीज का है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसमें वीकली सपोर्ट कोई दिखाई देता है क्या। वीकली सपोर्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, देखिए वीकली सपोर्ट भी एग्जैक्टली ये अपने सपोर्ट लाइन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है। कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न से कंपनी जा रही हो, तो कंपनी एक अप ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड यहाँ दिखाई दे रहा है, अपवर्ड चैनल में भी कंपनी दिखाई दे रही है। तो वीकली ट्रेंड पे भी ये कंपनी शानदार दिखाई देती है और 70 रुपये के आसपास इन्हें बहुत टाइम बिताया था, आप देख सकते हैं ये 70 रुपीज का इसका वीकली सपोर्ट भी बन जाता है। तो अगर किसी को पोजीशंस बनानी चाहिए तो 70 रुपीज़ के आसपास का इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट बन जाता है वीकली बेसिस के ऊपर भी। अगर इसको डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो डेली चार्ट पे क्या दिखाई देता है वो देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से, अगर हम एक लाइन उठा लें, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क करने की कोशिश करें, तो ये एक लेवल है जहां पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इसने कितनी बार इसको रिस्पेक्ट किया। दिस इज टेस्टेड हेयर और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया था इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं और यहाँ पे क्विक रिकवरी आने के बाद में ये सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ पे बेसिकली डेली चार्ट के ऊपर भी 70 रुपीज़ का ही बहुत ही मेजर सपोर्ट दिखाई देता है। गाइस अगर आप इस कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से 70 रुपये के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस बनाए या 70 रुपये के आसपास 70 रुपीज़ के आसपास कंपनी दोबारा आती है तो वहाँ पे और एवरेज कर सकते हैं, अगर आप पुराने ऊपर के भाव पे लेके फंसे हुए। मेरी स्ट्रैटेजी तो ये रहने वाली है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जोन जो था 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास, जो ये जोन पार हो चुका है और यहां पे ये जो जोन पार हुआ था आप समझिए ये हुआ था बड़ी वॉल्यूम के साथ में। दीज आर इंस्टीट्यूशनल बायस गाइस, ये मेरी आपकी वॉल्यूम नहीं है, मेरी आपकी वॉल्यूम ये है, ये हम रिटेलर्स की वॉल्यूम है, पर ये जो ग्रीन वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही, इतनी बड़ी बड़ी बार्स आपको दिखाई दे रही, ये इंस्टीट्यूशनल बैंक्स हैं। वही कुछ यहाँ पे भी रिपीट होता दिखाई दे रहा, देखिए हर सपोर्ट के ऊपर में आपको इंस्टीट्यूशनल बैंक दिखाई दे रही है। यहां से फिर 75 रुपीज़ के आसपास में देखिए ये जो भाव है, यहाँ पे फिर से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आपको दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी ही वॉल्यूम्स यहाँ रिपीट हो रही है जो यहाँ हुई थी, वही वॉल्यूम्स यहाँ रिपीट होती दिखाई दे रही। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक समय बिताने के बाद में, अच्छा खासा समय यहाँ बिताने के बाद में अब एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, एक नया हाई भी बना है, एक और लो भी ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमाचल फ्यूचर्स में थोड़ा दम दिखाई देता है अगर आप एक्युमुलेट करने की सोच रहे हैं तो। मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स के लिए, अगर 70 रुपये के आसपास आता है तो मैं जरूर लेने वाला हूँ। किसी वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट क्रैश करती है
अगर मान लीजिए ये जो पुराना इसका लो था, ये एक मेजर लो रहा 55-60 रुपीज़ के आसपास में, तो अगर ये इसके आसपास आता तो मैं और पोजिशन ऐड करने वाला हूँ। बट ये मेरे को थोड़े से पोजिशन नहीं दिखाई देते कि यहाँ तक आने की कोई संभावना है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर आती है तो सोचिए जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 70 रुपये के भाव में पैसा लगाया है, क्या इंस्टीट्यूशन 10-15 रुपये के लिए निकलते हैं? आप सोचने वाली बात है। आप ये समझिए कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़े प्लेयर्स जब पैसा लगाते हैं 60-70 रुपये 80 रुपये के भाव में, तो वो कम से कम पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना करने की सोचते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। रातों रात सट्टा नहीं मारते वो लोग, हमारी आपकी तरह ऑप्शंस में खेल के बिना वजह सीखे बाजार में पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, जब भी किसी भी स्टॉक में निवेश करने की सोचें तो उसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए, वो कंपनी क्या है। जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा, अगर इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र मारने की कोशिश करें, चलिए फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कंपनी की हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 11,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। करंट प्राइस 82 रुपीज़ के आसपास आप देख रहे हैं। ईयरली हाई 101 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड भी कंपनी देखती है। 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू स्प्लिट हो चुका है भाई ये शेयर। देखिए ROE 13% के आसपास का, ROCE 19.7% का, विच इज़ फेयरली गुड। फ्री कैश फ्लो पिछले 7 साल का 150 करोड़ के आसपास था, और डेट रहा है कंपनी को, डेट पर धंधा रहेगा तो निकल भी जाएगा, सभी चीज़ें हैं। चेंज इन FIs होल्डिंग गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FIs अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, 3% उन्होंने बढ़ाया। पब्लिक होल्डिंग मेंटेन है 52% के आसपास में। प्रमोटर का माल बिका है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि एक रहता है हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड और एक हमारा रहता है वीक हैंड। आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब है बड़े प्लेयर्स। अगर एक बड़े प्लेयर FI जिसको कहते हैं, अगर बड़े प्लेयर के हाथ से निकल के, या दूसरा हम प्रमोटर को भी बड़ा प्लेयर कहते हैं, अगर प्रमोटर के हाथ से निकल के FIs के पास जाए, FIs के हाथ से निकल के प्रमोटर के पास जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये तो रहा कि हैंड चेंज हो रही है, हैंड शिफ्टिंग हो रही है। बट अगर यहाँ से माल निकल रहा है और पब्लिक खरीद रही है, तो ये वीक हैंड्स के पास जा रहा है। आपके और हमारे हैंड्स को हम वीक हैंड कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास उतनी समझ नहीं रहती, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत समझ रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो फॉरन इंस्टीट्यूशंस हो, FIs हो, चाहे DIs हो। तो हमको ये देखना होता है कि कौन माल ले रहा है। अब यहां अगर हम देखने की कोशिश करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर कॉलम पे चलते हैं और यहां देखते हैं क्या हो रहा है। 2019 से डेटा उठाने की कोशिश करें, प्रमोटर के पास पहले 38.43% के आसपास हुआ था, तो मेंटेन था, दिसंबर तक 42% के आसपास हुआ। अब वापस प्रमोटर ने थोड़ा सा माल बेचा है। अब आप कहेंगे सर प्रमोटर माल बेच रहा है, प्रमोटर का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हो सकता है। आगे बढ़ाते हैं, आधी पिक्चर देखने से पिक्चर का क्लाइमेक्स समझ में नहीं आता। FIs को देखेंगे, वहीं दिसंबर में FIs के पास जहां सिर्फ 1% इक्विटी थी, 1.66% इक्विटी थी, वो हर साल अपनी इक्विटी बढ़ा 2%, 2.2%, 3.96%, और दिसंबर 21 के आते आते हर क्वार्टर में उन्होंने अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको वॉल्यूम्स दिखाई थी ना, बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार, अगर आपको याद हो, नहीं तो दिखाया था, ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार्स थी, ये वॉल्यूम बार्स कौन कर रहा है, ये वॉल्यूम बार्स कोई नहीं, बस ये कर रहे हैं। FIs का स्टेक 3% से लेकर 7% हो गया भाई, इन्होंने स्टेक को बढ़ा दिया है। और दूसरी चीज़, DIs के साथ में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले जिनके पास 0.07% इक्विटी हुआ करती थी, आज की डेट में वहाँ से वो डबल होल्ड करते हैं, डबल इनफैक्ट 100% ग्रोथ है, 1.44% के आसपास की। पब्लिक जो 55% होल्ड किया करती थी, 53%, अब 52% के आसपास पब्लिक घटा रही है, मतलब समझिए बाकी लोग भी कुछ अपनी पोजिशन को मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे FIs आर अ बिग प्लस, DIs आर बिग प्लस, और प्रमोटर का भी ये जो चेंज ऑफ हैंड्स है, ये मुझे सही दिखाई दे रहा है। आप समझ के देखिए, ये खिचड़ी यहाँ पकी हुई है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पोजीशंस सही समझ में आती है, तो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी कुछ प्रॉफिट लॉस कर भी रही है कि नहीं कर रही है। सेल्स को अगर दिखा है, तो सेल्स एक्सपेक्टेड क्या है, सेल्स देखिए, मार्च 2021 तक 4,400 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वही पिछले 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है 4,936 करोड़ की सेल्स, बहुत ही बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखा जाए, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां पिछले साल मार्च में 493 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कोविड के टाइम पे, वही मार्च 2021 तक आते आते 550 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, और पिछले 12 महीने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल 707 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, जहां कंपनी एक टाइम पे लॉस में काम किया करती थी 2010 में, वहां कंपनी आज के डेट में 14% का हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, दिस इज वेरी वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात देखी जाए, वो भी देखिए मार्च 2021 में था 337 करोड़ के आसपास में, जो पिछले 12 महीने में बढ़ के 467 करोड़ का होता दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा इजाफा है, 239 करोड़ से बढ़ के 332 करोड़ के आसपास जाता दिखाई दे रहा है। सेल्स को ऊपर डाल लेते हैं, पिछले 10 साल की सेल्स 48% के आसपास हुआ करती थी, पिछले 3 साल की सेल्स 11% के आसपास थी, वो अब पिछले 12 महीने में बढ़ के 34% के आसपास, मतलब सेल्स भी बढ़ रही है।
कंपाउंडिंग प्रॉफिट तो आपने दिखाई है, वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 107% बढ़ा है, और स्टॉक ने पिछले 3 साल में 57% की रिटर्न दी थी, पिछले 1 साल में 195% की रिटर्न दी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात किया है तो वो भी अच्छा खासा मेंटेन है, 14% के आसपास में कंपनी मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। चलिए गाइस, ये था मेरा एनालिसिस HFCL को लेके। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए कि नेक्स्ट एनालिसिस किस स्टॉक के ऊपर चाहिए, देखने की कोशिश करेंगे वो स्टॉक में दम है या नहीं, क्योंकि अगर पैसा लगाना है बिना एनालिसिस के नहीं लगाना, उस पर थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा होमवर्क करना पड़े, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना बहुत बहुत जरूरी गाइस। दिस इज द ओनली डिसिप्लिन विच विल सेव यू इन योर फाइनेंशियल मार्केट्स। अदरवाइज दुनिया आती है, दुनिया चली आती है, लोग पैसा लेके आए थे और कंगाल होकर चले जाते हैं। ये मार्केट बहुत ब्रूटल है, पर ये मार्केट उन लोगों को रिवार्ड करती है जो मार्केट में मार्केट को स्टडी करना जानते हैं, जिनकी स्टडी करने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है। गाइस, इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, एक होती है टाइम में और एक होती है आपकी एजुकेशन में। आपने समय इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, अब आपका सही समय है आपकी स्टॉक मार्केट की एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस को देखिए, कोई पेड क्लासेस लेनी है वो लीजिए, हमसे सीखना है हमसे सीखिए, हमारे मास्टर क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन हिट रखें, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहें, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ में आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल कर रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।